कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आसिफ जकी ने आरोप लगाया है कि कोरोना संक्रमण काल में गरीबों को राशन वितरित नहीं किया जा रहा है, जबकि तात्कालिक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की थी कि जिनके राशन कार्ड नहीं हैं उनको भी 5 किलो गेहूं, 3 किलो चावल और 1 किलो शक्कर दी जाएगी, पर सरकार बदलते ही भाजपा नेताओं के दबाव में आकर खाद्य विभाग के अधिकारी यह राशन गरीबों को वितरित नहीं कर रहे हैं। अतः कमिश्नर से अनुरोध है कि वह तुरंत ही कलेक्टर को आदेशित करे कि जो तत्कालिक मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उस हिसाब से ही गरीबों को राशन वितरित किया जाए, क्योंकि महामारी के समय कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जैसे कि आपको मालूम है कि जब से कोरोना लागू हुआ है मार्च से लेकर अभी तक जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की कि हम जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है उनको भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने यह आदेश जारी किया था कि जो है सबको 5 किलो गेहूं, 3 किलो चावल और 1 किलो शक्कर दी जाएगी। किंतु जैसे ही भाजपा सरकार ने पदभार ग्रहण किया उसके बाद से ही भाजपा नेताओं का दबाव जो है कंट्रोल की दुकान और खाद्य अधिकारियों पर बढ़ता गया और उन्होंने अपने मनमाने तरीके से बंटवारा किया और सामान्य पब्लिक को जो है खाद्यान्न तो उपलब्ध नहीं हुआ, न गेहूँ मिला। मार्च महीने का खाद्यान्न जो है वो अप्रैल और मई में मिला और मई जून का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। चावल आए किसी भी महीने का प्राप्त नहीं हुआ। हमारी जो है माननीय कमिश्नर महोदय से मांगे कि कलेक्टर भोपाल को तत्काल निर्देश दें कि वो जिस प्रकार से भाजपा नेताओं का दबाव जो है खाद्य विभाग के अधिकारियों पर वो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर गोलमाल कर रहे हैं इसको समाप्त करें और जो लोग परेशान हो रहे हैं अभी भी जो है पूर्ण रूप से जो है खुला नहीं है, कोरोना का जो है कहर जारी है। जब तक कोरोना जारी रहे जब तक हमारी मांग ये है कि 5 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल और 1 किलो शक्कर दिया जाए, यही हमारी मांग है और यही हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, उनकी घोषणाओं को लागू रखा जाए जब तक कोरोना का कहर जारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।